हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, लगभग 11 बज रहे हैं। देख सकते हो आप, ये धूप खिली हुई है और कमरे में धूप भी आ रही है। बर्ड बिल्कुल फिट है मेरे। तो इनको आज मैं दूंगा नीम का पत्ता। तो मैं देता हूँ 15-20 दिन में दे देता हूँ, कभी कभी महीना भी हो जाता है, लेकिन देता जरूर हूँ नीम का पत्ता, क्योंकि उससे पेट के कीड़े मरते हैं और बर्ड्स भी पसंद करते हैं नीम का पत्ता। जो हर चीज़ तो हर चीज़ पसंद नहीं करते हैं। अब ये इनका रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो नीम का पत्ता, देखो सब सब सामने आ गए। ये देखो सब सामने आ गए। अब देखो डालू अंदर, देखो धीरे धीरे सब आएंगे। आ जाओ बेटा खा ले। देखो नीम का पत्ता ऐसे खाते हैं ये, और पेट के कीड़े बिल्कुल आराम से इनको मर जाते हैं। जैसे दवाई वाई देते हो ना, तो थोड़ा दवाई का तो नुकसान तो साइड इफेक्ट तो थोड़ा होता ही है, जानवर हो या इंसान हो। और जो देसी तरीका होता है उसका नुकसान थोड़ा कम ही होता है, साइड इफेक्ट जो होता है दवाई को होता ही है। देसी नुकसान होता है ना, जो उसका कोई नुकसान नहीं होता और फ़ायदा ही होता है उसका। तो पेट के जो कीड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि 15 दिन में दे दें, 15-20 दिन में दे दें, महीने में 2 बार दे ही दें। देखिए तो अभी कई तरीके हैं डिवॉर्मिंग करने के, नेचुरल तरीके के। तो ये तरीका बिल्कुल आसान तरीका है, ये नीम का पत्ता। देखिए तो अभी अब मैं इनको छोड़ देता हूँ, ये खाएंगे आराम से। देखो यहाँ पर लगा दिए। देखो अब आएंगे, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला। देखो आप सारे मेल तो मेल पर तो बाहर बाहर है, फीमेल तो सारे अंदर है। देखो इसके अंदर, इसके अंदर एक फीमेल होगी, इसके अंदर एक फीमेल होगी, ये वाली फीमेल देगी वाली अंदर बाहर भी आ गई, और ये आप फीमेल बैठेंगे अंडो पर। अब देखते हैं इसके बच्चे कब निकलने वाले हैं, 2-3 दिन में निकल ही जाएंगे इसके बच्चे। मेरे को ज़्यादा ख्याल है। देखिए तो आप, तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है दोस्तों। आप खिलाओगे ना कोई नुकसान नहीं, हफ्ते में एक बार भी दे सकते हो। अगर आपको मिल रहे हैं नीम के पत्ते, क्योंकि शहर में थोड़ा मुश्किल होता है दिल्ली, क्योंकि जाकर लेना पड़ता है, कोई पेड़ हो ऊँचे पेड़ होते हैं तो मुश्किल से मिलता है, मतलब आसान से नहीं मिलता नीम का पत्ता भी। तो इसलिए तो मेरे को मिलता है, तो मैं हफ्ते में 10 दिन में भी दे दूँगा, जो कोई नुकसान तो है नहीं और फायदा ही है। देखिए तो आप ये खा रहे हैं, अब नीचे वाले को देता हूँ। नीचे वालों के लिए भी ये देखो नीचे वालों के लिए बिल्कुल धो के बिल्कुल साफ कर दिया। देखो पानी भी लगा हुआ है, देखो तो सूख आया पानी, इसको बंद कर देता हूँ, ये तो निकल जाएंगे। तो ये खोलता हूँ, खुल जा। और दवाई में कई वीडियो में बता रखा है दवाई से कैसे कर सकते हो आप। देखो ये देखो, ये देखो नीम का पत्ता ये आ गई, तो यहाँ पे तो इसको डाल देते हैं डायरेक्ट यहीं पे। देखो आप सब आएंगे अब धीरे धीरे। आ जाओ बेटा आ जाओ। देखो ये देखो तीनों मेल आ गए, तीन मेल थे ना, फीमेल भी दो निकल के आ गई, ठंडों से उतर के आ गई। देखो इतने प्यार से खाएगा ना ये नीम के पत्ते। देखो आप तो नीचे वाले है ना, थोड़ा डरते हैं ये, तो बच्चे हैं ना ये, इसलिए डरते हैं बच्चे। क्या मतलब घर के ही पैदा है वो, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, 2-3 साल हो गए रहते हुए, इसलिए थोड़ा कम डरते हैं वो। और ये 5 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के ऐसे हैं, तो थोड़ा डरते हैं। अभी तीनों खा रहे आराम से, और धीरे सब आगे खाने लगेंगे। और यहाँ पे कभी डालना, देखो इसमें डाला हुआ है, और यहाँ पे पानी आज मैंने डाला पानी में, लीवर की टू लीवर के लिए होता है ये। देखिए तो आप ये बिल्कुल प्यार से खा रहे हैं। और नीचे मैं बता देता हूँ, नीचे 3 पेयर है, जैसे लास्ट में मटकी दिखाई दी थी, इसमें अंडे हैं और इसमें भी अंडे हैं। ये वाली फीमेल ले आए, सब आ गए, ये वाली फीमेल ले आए। देखो ये वाली मेरे को दिखाता हूँ कैसे कलर की है। देखिए तो आप देखो आप ये वाली चीज़ मेरे को दिखाना पड़ेगा। इसके बच्चे निकल गए यार, देखते हैं बच्चे कब निकलते हैं, इसके बच्चे निकलने वाले होंगे शायद। बिका बिका किस आवाज़ तो आ रही है, चलो दोस्तों आ देखो बच्चे निकल गए इसके। कितने बच्चे निकले हैं देखो, फर्स्ट टाइम वीडियो पता चल लाइव, इसी टाइम से वीडियो में आ रहा हूँ, 3 बच्चे निकले हैं इस हिसाब से, 3 बच्चे निकले। देखो आप और बच्चे निकलेंगे,
उसका ही 40 मिनट पुराने पहले के अंदर लेकिन तीन बजे निकल गया हमें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मुर्गी मेरी वो छत पे है, कबूतर भी छत पे है, तो उनको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। आज के छोटा सा डाल दिया डिवॉर्मिंग का तरीका जैसे होता है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट बताना, अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को नया पीछे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जरूर ना भूलें। इसको नई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय बाय।